जय हिंद दोस्तों, मैं गीत साहू आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि दो गाने बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक गाना है रवि किशन का यूपी में सब्बा, उधर नेहा सिंह राठौर ने गाना गाया है यूपी में काबा। तो इसी पे उन दोनों ने अपने अपने माध्यम से अपनी बातें कही हैं कि यूपी में सब्बा यूपी में काबा। तो हमने सोचा कि आम जनता की भी राय जानते हैं कि यूपी में काबा। सर आपकी क्या राय है, यूपी में क्या चल रहा है, विकास हो रहा है, बेरोजगारी, आप तो युवा। यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी और बहुत ही बुलंदी के साथ बनेगी। हाँ। जी क्या काम करती है सर? अरे बहुत सारा काम किए हैं योगी जी। योगी। काम बता दीजिए फिर। अरे सबसे बढ़िया तो रोड देख लीजिए, आप कहीं भी गांव में चले जाइए, कहीं भी, हाँ, हर जगह की सड़क देख लीजिए, गड्ढा 101% गड्ढा मुक्त, 24 घंटे लाइटें मिल रही, हाँ 101% यूपी में, हाँ लाइट का भी जो है सिस्टम, यूपी में सब्बा। हाँ 2022 में योगी जी बुलंदी के साथ 10 मार्च किशन जी का गाना सुन लिया गया। सब है, हाँ सब है सब। चलिए ठीक है, इनके हिसाब से रवि किशन जी का जो गाना है वो बहुत ही अच्छा। ये जो भैया हैं इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं भैया जी, यूपी में का बा? यूपी में सपा बा और कौन बा? सपा बा। सब काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन जो रोजगार वो बेकार हो गया है। अब विकास कर ले के क्या करेंगे, जब आदमी खाने को ही नहीं रहेगा और जब लोग खाने को ही नहीं मिलेगा आज समय। भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया है बताइए? यहाँ महंगाई ऐसा है कि अब कोरोना की वजह से लोग इतने टूट गए हैं कि सब यहाँ बर्बाद हो गए हैं। यहाँ रवि किशन जी गाना गा रहे हैं यूपी में सब विकास है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, लाइट बिजली सब कहाँ है? लाइट पहले जो सपा सरकार रहती थी लाइट बढ़िया रहती थी, बढ़िया। अब यह 2 घंटा 3-3 घंटा कट जाता है, पता ही नहीं रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। उनके राज में तो लाइट बहुत बढ़िया थी जो है, हर आदमी कमाता खाता। आप क्या कह रहे हैं भैया? इस बार बदलाव होगा, बिल्कुल 100% बदलाव होगा, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई दोनों इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मिडिल क्लास के नीचे वाला आदमी एकदम त्रस्त हो चुका है, इसलिए इस बार बदलाव होना चाहिए। चलिए इस बार इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, और लोगों से बात करते हैं। हेलो सर, क्या कह रहे हैं, विकास हुआ है कि नहीं, प्रयागराज में कुछ बदलाव देखने को मिला? मैम मैं खाना खा रहा हूँ अभी, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। अरे खाना खा चुकी हैं, बोल तो सकती हैं। इलाहाबाद में विकास हुआ है, सड़क तो बनी है कई सारी, हाँ। यही विकास मुझे दिख रहा है। सड़क बनी है, 24 घंटे लाइटें हैं, और क्या कहते हैं, नहीं करता हूँ, सिलेंडर में जो लाइन लगानी पड़ती थी, हालांकि महंगी जरूर हुई है लेकिन बिना लाइन लगाए मिल जाती है। हाँ विकास लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं शेयर नहीं कर सकता सर। ओके कोई बात नहीं, आप क्या कह रहे हैं, यूपी में क्या है? मैं 2 घंटे पहले यूपी आया हूँ। अच्छा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। चलिए तो वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी है, तो क्या लग रहा है इस बार यूपी में भी है चांस? आम आदमी पार्टी का यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर नहीं है, क्यों? यहाँ पे उनका इतना वो नहीं है। आप चलिए और लोगों से पूछते हैं, आप क्या कह रहे हैं यूपी में क्या बा? गाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सुने होंगे यूपी में कुछ ना बा, कुछ ना बा। हाँ योगी सरकार, नेहा सिंह राठौर ने जो अपने मतलब गाने के माध्यम से कहा वो सही है कि किशन जी? नहीं किशन जी तो एकदम बेकार है। हाँ। कोई फायदा नहीं है किशन जी, यूपी में सब बा उन्होंने कहा, का बा कुछ ना बा। हाँ। नेहा सिंह वाला गाना हम पोस्ट भी किए, कोरोना के नाम पे स्कूल कॉलेज बंद हो गया है और संगम में खूब नहला रहे हैं और वहाँ कोरोना भगा रहे हैं। बस आप तो गाना सुने हैं ना? गाना सुने हैं, गाना पोस्ट भी किए हैं, लेकिन जो है कि हमको किशन सिंह का गाना फेल है। नेहा सिंह वाला यूपी में कुछ ना बा, कुछ ना बा, थोड़ा गा के बताइए। नहीं गा के हम नहीं बता पाएंगे, गा के नहीं बता पाएंगे। हाँ बेरोजगारी, एकदम बेरोजगारी चरम पे, गुंडागर्दी तो है यहाँ पर, पेपर लीक हो जा रहा है, भ्रष्टाचार है। आपने भी सुना है? हाँ सुने हैं, इसीलिए कह रहे हैं नेहा सिंह वाला ज्यादा बेहतर है, एकदम परफेक्ट। किशन जी का नहीं सही है, रवि किशन जी के एकदम बकवास है। उन्होंने तो बताया 24 घंटे लाइट, किशन जी के एकदम अंधभक्ति के ऊपर है। हाँ और नेहा सिंह का सुनिए तो आपको जमीनी हकीकत बयां किया उन्होंने, जमीनी हकीकत, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये भैया जी दिखा रहे कि उन्होंने पोस्ट भी किया,
मंदिर ने इन्होंने तोड़वा दिया और उसके बाद यहाँ खंडहर बनवा दिया और जो यहाँ सब पूजा पाठ होता है। सभी ने अपने अपने गाने के माध्यम से अपनी राय बता दी है कि यूपी में का बा, यूपी में सब बा। हमने कहा हम जनता में क्या बा, हम जनता में कुछ ना बा, झांसा बा, केवल झांसा बा और कुछ ना। लग रहा है बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा, एकदम कंफर्म होगा, ये ठीक है। और लोगों से जानते हैं चल रहा है। अब क्या बताया जाए, यूपी के तो पूरे यूपी वाले ही देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, विकास हो रहा है या फिर गुंडागर्दी, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी ज्यादा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और गुंडा फुंडा तो उन्हें सब खुद अंदर हो गए, समझे ना। इस राज्य मैंने जो है सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, यानी कि यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौर ने कहा था यूपी में काबा यानी बेरोजगारी, गुंडागर्दी, इन सब पे बातें कही थी अपने गाने के माध्यम से। आप कुछ कहना चाहेंगे, यूपी में काबा, गुंडागर्दी, बेरोजगारी या फिर विकास हुआ है? देखिए मैडम, काम तो बहुत हुआ है लेकिन एक चीज लिए सरकार गलत है। कहाँ गलत? गलत इसलिए वजह से गरीबों को थोड़ा सा योजना कम, फ्री राशन वासन तो दे रही है, फ्री राशन कब दे रही है ये चीज देखिए ना, इस चीज को देखिए, फ्री राशन कब दी है, जब लॉकडाउन लागू हुआ उसके पहले क्या कोई गरीबों को मदद नहीं थी ना, हाँ? जब लॉकडाउन चालू हुआ तब गरीबों को मदद दी है, सरकार ने काम बहुत किया है, इस चीज को मैं एग्री हूँ, लेकिन गरीबों का हित भी मारी है वो, हाँ? गरीबों का अधिकार मारी है, इस चीज की भी सोचिए, सरकार ने काम गलत नहीं किया है। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है, बिजली 24 घंटे नहीं मिल रही है। एक चीज बताइए, 24 घंटे हम बिजली लेके हम क्या करेंगे, जो हम खाना नहीं खा पाएंगे तो हम 24 घंटा लेके बिजली क्या करेंगे, ये बताइए आप मैडम। चलिए आपके हिसाब से कि मतलब यूपी में काबा यही है कि मतलब काम हुआ है, सरकार ने गलत काम भी किया है, ये भी गलत काम भी। चलिए आगे लोगों से, आप बताइए अंकल जी, यूपी में काबा, यूपी में क्या हुआ है, किस चीज के बारे में? विकास हुआ एक नहीं, कुछ प्रयागराज में बता। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है, हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ। ये सरकार भी बहुत अच्छी है, हाँ, यूपी में सब सब 24 घंटे लाइटें, सड़कें, गड्ढा, पानी है, सब है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है।